achieved it and for you. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये वापस आ गए हैं लाहौर में प्यारी सुबह के साथ। तो आज आ जाइए हमारा लाहौर में पहला दिन। तो सुबह हो गई है, रात बहुत सुकून से गुजरी। ये मेरे साथ हैं जाहिद साहब, सोए हुए हैं साहब, क्या हाल है? ठीक, मज़ा आया सही वाला? जी हाँ। रात की नहीं गुजरी? जी है भी। तो गाइस अभी हम उठे हैं, तो फिर मैं नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। ये मेरे साथ सेलफोन पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ चाहिए होगी हमें यहाँ पे हम ज़ीरो डायल करेंगे और हमारे पास हमारा नाश्ता आ जाएगा, जो भी मंगाना होगा। तो अभी मैं नाश्ता ऑर्डर करता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर तैयार होके फिर देखते हैं आज हमने कहाँ जाना है, कहाँ का प्लान है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछला व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्लॉग्स को इन्जॉय करें और ऐसे में देखते रहें। नाश्ता ऑर्डर करते हैं, नाश्ता खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लगता है जी नाश्ता हमारा आ गया, क्योंकि अभी नौक हुआ था दरवाज़ा घुमाए को। थैंक यू। बंद कर सकते सर, जाओ उसी नाश्ते से पूछो क्या पठेना है। माशाल्लाह जी नाश्ते में मेरे ख्याल से दो पराठे हैं, दो अंडे, गर्मा गर्म चाय। तो अभी हम करते हैं नाश्ता। सो गाइस नाश्ता आ गया जी हमारा, तो अभी हम नाश्ता शुरू करने हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नाश्ता करना है तो फ़िलहाल अपने घर में ही करें, जब मेरे साथ आएगा फिर मैं उसको करवाऊँगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, नाश्ता करके फ्रेश होते हैं, फिर तैयारी करते हैं कहीं जाने की आज। ओके सो गाइस फाइनली जी रेडी शेडी हो गए हैं, तो अभी हम निकलने लगे हैं। तो आज का प्लान हमारा बनाएगा जी, हम जाएंगे पैकेजेस मॉल्स घूमेंगे, तो हम भी घूमेंगे आपको भी घुमाएंगे। तो फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और इन्जॉय करें। राजा साहब कुछ कहना है आपने भैया? कुछ नहीं बस चलो फिर चाबी शाबी लो अपने रूम की, तो फिर चलें हम आगे। सफ़र हो गया जी हमारा शुरू, तो हमारा पहला स्टॉप है पैकेज मॉल, तो अभी हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखते हैं लाहौर में बारिश हुई है और पानी यहाँ पे आके रुक गया है, काफ़ी ज़्यादा पानी है, लोगों को ट्रैफिक जो है काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। जो बाइक्स वाले हैं ज़्यादा उनको मसला आ रहा है, बाकी जो कार वाले हैं उनके लिए तो आसानी है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा जो साथ साथ गाड़ियों वाले चल रहे हैं, तो इन दिनों में वो ख्याल किया करें बाइक्स वाले लोगों का। इसी के साथ हमारी एंट्री होने लगी है पैकेज मॉल की तरफ। ये आप सामने देख सकते हैं मोनोग्राम, और हम आप अंदर जाने लगे हैं। सबसे पहले ये हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी वाले ने हमारी गाड़ी को देखना है, सामने बोनट और पीछे ट्रंक को। क्या बात है जी, पैकेजेस की दुनिया में एंटर हो गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैकेजेस का मोनोग्राम, उसके साथ कैरीफोर और बाकी कुछ ब्रांड्स के मोनोग्राम दिख रहे हैं, और साथ ही पार्किंग। ये आप नीचे नंबर लिखे हुए देख लेते हैं, अपनी गाड़ी को इस नंबर पर पार्क करें और वापसी आके उसी नंबर से उठाएं गाड़ी को। फाइनली जी पैकेजेस मॉल्स की पार्किंग में उतर आए हैं जी, और अभी हम जाने लगे हैं अंदर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल। ये है जी पैकेजेस का फर्स्ट फ्लोर, अभी आपको जो जो चीज़ यहाँ से दिख रही है आपको देखते जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, मैं एक एक चीज़ का नाम तो नहीं ले सकता, बाकी आप देखते रहें।
फर्स्ट फ्लोर पे मुझे नज़र आई आइस बॉल, मैंने कहा यार ये ट्राई करनी चाहिए, तो बस फिर मैंने ये ऑर्डर कर दी और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ किस तरह की होती है। इतना ख़ास तो टेस्ट नहीं था, बस धुएँ निकली जा रहे थे मुँह और नाक से और कुछ नहीं था इसके अंदर भाई। अभी हम मूव करते हुए जा रहे हैं तुर्किश आइसक्रीम की तलाश में कि वो हमें मिल जाए और उसको ट्राई करें। फाइनली पॉइंट मिल गया और आप देखें इंजॉय कैसे होता है। बंदा ऐसा तेज तेज कर रहा था भाई आइसक्रीम तो हाथ नहीं लग रही थी मेरे। Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm giving.